दोस्तों कल की वीडियो में बात की गई थी कि सबसे सस्ता प्लान किसका है, कौन सी कंपनी है जो सबसे सस्ती सर्विस दे रही है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहां पर जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि आप किसी भी सिम को, चाहे वो VI हो, एयरटेल हो या फिर जियो, आप किसी भी सिम को BSNL में पोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या चीज़ है और आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा अपने सिम को VI में पोर्ट कराने के लिए, कन्वर्ट करवाने के लिए। मतलब कि आपका नंबर वही रहेगा, बस आपकी सर्विस प्रोवाइडर जो है कंपनी वो चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपके मोबाइल में एक वैलिड प्लान होना चाहिए जिसमें आपको मैसेज सर्विस मिलती हो। मैसेज सर्विस अगर आपके मोबाइल में है तो आपको एक नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा PORT स्पेस आपका मोबाइल नंबर, ये लिखकर आपको सेंड कर देना पड़ेगा 1900 पर। उसके बाद आपके पास 1 से 2 घंटे के अंदर, ऐसे तो मैसेज तुरंत आ जाती है लेकिन कभी कभी लेट होने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास एक UPC कोड आ जाएगा, जिसे आप MNP पोर्ट नंबर बोल सकते हैं। एक आपके पास कोड आ जाएगा, आप उस कोड को लेकर अपने नज़दीकी ब्रांच में जाएंगे, BSNL ऑफिस में जाएंगे, या फिर अगर कोई दुकानदार आपका BSNL सिम बेच रहा है तो आप उसके पास जाएंगे अपने आधार कार्ड लेकर, तो वो आपके नंबर को BSNL में पोर्ट कर देगा और फिर आपका जो सिम 4 से 5 वर्किंग डे में चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो दीजिए जय हिंद।